व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊं कि ये व्यक्ति एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिनका एक बहुत ही डिफरेंट विजन था इंडिया का। वो एक्चुअली इंडिया को एक कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो आपको कई डिफरेंट ड्राफ्ट्स मिलेंगे। एक ड्राफ्ट मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया का, जो लिखा गया था 1944 में, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिस्कस करना स्टार्ट भी नहीं किया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था एमएन रॉय ने, जिनके बारे में आप शायद जानते भी नहीं होंगे। बहुत टाइम से एमएन रॉय इंडिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाना चाहते थे, पर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने लगी उन्होंने अपना कम्युनिज्म का सपना छोड़ दिया था। एमएन रॉय की जिंदगी बहुत ही फैसिनेटिंग रही है। वो एक मिलिटेंट थे जो ब्रिटिशर्स को मारना चाहते थे, फिर वो एक ग्लोबल कम्युनिस्ट स्टार बन गए और फाइनली उन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ दिया। ये स्टोरी है इंडिया के शायद पहले ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर की, जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते और इसीलिए उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। एमएन रॉय पैदा हुए थे 1897 में कलकत्ता के पास एक गांव में। 1905 में तो उन्होंने ईस्ट और वेस्ट बंगाल की पार्टीशन होते हुए देखा था रिलीजियस लाइंस पर। जब वो 14 साल के हो गए तो उन्होंने एक लोकल बंगाली मिलिशिया ज्वाइन कर ली, अनुशीलन समिति। इस समिति का आइडिया था कि वो एक आर्म स्ट्रगल के जरिए अंग्रेजों की सरकार को हटाना चाहते थे, पर इस छोटी सी मिलिशिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज थी नहीं, तो वो ऑब्वियसली अपना ऑब्जेक्टिव मीट नहीं कर पाए। पर एमएन रॉय और उनकी मिलिशिया ने एक सोल्यूशन सोचा और उनके दिमाग में ये सोल्यूशन आया 1914 में, जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ। इस वॉर के दौरान जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन लड़ाई में थे, पर अनुशीलन समिति ने सोचा कि क्यों ना दुश्मन का दुश्मन उनका दोस्त बन जाए। बेसिकली वो जर्मनी की मदद लेना चाहते थे ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए, और जर्मन्स को कन्विंस करने के लिए एमएन रॉय इंडोनेशिया तक गए। पर जो इंडोनेशिया में जर्मन थे उन्होंने एमएन रॉय के प्लान को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अगर उनको जर्मन का सपोर्ट चाहिए तो उनको जर्मनी जाके मांगना होगा। और एमएन रॉय ने ऐसा ही किया, उन्होंने कहा कि वो जर्मनी जाएंगे। पर ये करना आसान नहीं था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको ट्रैक कर रही थी। इसकी वजह से एमएन रॉय ने अपनी आइडेंटिटी कई बार बदली। इंडोनेशिया से वो चाइना गए, चाइना से जापान, जापान से फिलीपींस और फिलीपींस से यूएस। जब वो यूएस पहुंचे तो उन्होंने फादर मार्टिन का भेष डाल दिया। उनका प्लान था कि वो यूएस से अटलांटिक ओशन क्रॉस करके जर्मनी पहुंचेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत में यूएस जाना था नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद यूएस ने भी वर्ल्ड वॉर वन ज्वाइन कर ली और वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ अलायंस में आ गए। अब रॉय मुश्किल में थे क्योंकि वो थे यूएस में और यूएस अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था और अंग्रेज एमएन रॉय की तलाश में थे, जिसकी वजह से यूएस पुलिस ने एमएन रॉय को अरेस्ट कर लिया। पर जब उनको बेल मिली उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल दी और वो मेक्सिको चले गए। अब आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा, पर एमएन रॉय ने एक्चुअली मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको स्टार्ट करी थी। इमेजिन कीजिए, मेक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी एक इंडियन ने स्टार्ट करी थी। पर मेक्सिको पहुंचने के बाद एमएन रॉय की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत बदलाव आया है। वो सोचने लग गए कि अगर हम ब्रिटिशर्स को हटा भी पाएंगे एक आर्म्ड अपराइजिंग से, तो उसके बाद इंडिया को गवर्न कौन करेगा और कैसे करेगा। बेसिकली एमएन रॉय की जो इंटेलेक्चुअल साइड थी उनकी मिलिट्री साइड को ओवरपावर कर रही थी। उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए लिखना स्टार्ट कर दिया और वो कई लोकल मैक्सिकन लीडर्स के दोस्त बन गए, जिनके साथ उन्होंने एक सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी बनाई। पर कुछ टाइम बाद एक ग्लोबल इवेंट हुआ जिससे उनकी सोच बिल्कुल बदल गई, रशियन रेवोल्यूशन। जब व्लादिमीर लेनिन ने रोमनोव एम्पायर को ओवरथ्रो किया और रशिया पर एक कम्युनिस्ट रूल स्टार्ट कर दिया, जहाँ फैक्ट्री वर्कर्स खुद को गवर्न कर रहे थे यूनियंस के जरिए, और जहाँ सरकार को एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग लोगों को फ्री देना था। लेनिन के कम्युनिज्म को ऑब्जर्व करके रॉय ने सोचा कि यही सिस्टम वो इंडिया में लाना चाहते हैं, और इससे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने अपनी सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको रख दिया। अब जो लेनिन भी थे वो पूरी दुनिया भर में कम्युनिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे और वो बहुत इंप्रेस्ड हो गए एमएन रॉय से। इसीलिए उन्होंने एमएन रॉय को रशिया में बुलाया एक कॉन्फ्रेंस के लिए।
जहां वो कम्युनिज्म के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब रॉय और लेनिन हर बात पर अग्री नहीं करते। रॉय चाहते थे कि लेनिन अपना सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना दे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस उनके हिसाब से एक एलिटिस्ट पार्टी थी, जबकि लेनिन का मानना था कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, इसलिए वो उल्टा सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही देंगे। अब इन डिफरेंसेस के बावजूद लेनिन ने इनकरेज किया एमएन रॉय को अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए इंडिया में। देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है, और एमएन रॉय ने ऐसा ही किया जब उन्होंने उज्बेकिस्तान से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की इनिशिएशन करी। अब एमएन रॉय ने ये पार्टी उज्बेकिस्तान से क्यों स्टार्ट करी और इंडिया से नहीं, इसके तीन कारण थे। बेसिकली एमएन रॉय के लिए इंडिया जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना ही ब्रिटिश सरकार और ना ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स चाहते थे कि वो इंडिया आए। No, God, please, no, no! पहली बात थी कि एमएन रॉय कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व थे और ब्रिटिश एम्पायर के लिए कम्युनिज्म बहुत ही बड़ी थ्रेट थी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रशिया में कैसे रोमन ऑफ एम्पायर कम्युनिज्म की वजह से खत्म हो गया। दूसरा कारण था कि एमएन रॉय कांग्रेस के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। उनका मानना था कि कांग्रेस और महात्मा गांधी बेसिकली अपर कास्ट लैंडलॉर्ड्स को ही सपोर्ट करते थे और वर्किंग क्लास के लिए कुछ कर नहीं रहे थे। एमएन रॉय ये मानते थे कि कांग्रेस बहुत ही सेफ पाथ ले रही है इंडिया में, और कुछ हद तक एमएन रॉय इसके बारे में सही हो सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी है जिसको कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से कई पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सेफ रास्ता अपनाती हैं, और हो सकता है कि ब्रिटिशर्स भी कुछ हद तक कांग्रेस को टॉलरेट करते थे, क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस इतनी रेडिकल पार्टी नहीं है, जबकि एमएन रॉय के आइडियाज बहुत ही रेडिकल थे। पहले वो वायलेंस के जरिए अंग्रेजों को हटाना चाहते थे, और अब कम्युनिज्म के जरिए। और तीसरा कारण था कि एमएन रॉय रशिया के साथ अलायंस में थे, जबकि रशिया और ब्रिटेन एक दूसरे के दुश्मन थे। ये हमें देखने को मिला था अफगानिस्तान में, जहां अंग्रेज मानते थे कि रशिया अफगानिस्तान को कैप्चर करके इंडिया में घुसाएगा ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, और जबकि रशियंस मानते थे कि ब्रिटेन अपना फुटप्रिंट सेंट्रल एशिया में बढ़ाना चाहता है ताकि वो रशिया के खिलाफ अपना कंट्रोल जमा ले। इसीलिए जब एमएन रॉय रशिया गए और लेनिन से मिले, उसके बाद वो ब्रिटिशर्स की टारगेट लिस्ट में और आ गए। एमएन रॉय की कहानी पर गौतम प्रेम राजू ने एक बेहतरीन आर्टिकल भी लिखा था 52.in पर, जहां उन्होंने बताया कि एमएन रॉय के ग्लोबल कम्युनिस्ट लीडर बन जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी उनको अरेस्ट करने की, और इवेंचुअली जब 1930 में एमएन रॉय इंडिया वापस आए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। पर ऐसी कई और नेशनल लीडर्स हैं इंडिया की हिस्ट्री में, पर हम उनके बारे में इतना जानते नहीं है। जैसे भगत सिंह की बात करते हैं, हम में से कई लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि भगत सिंह एक एथिस्ट थे, और इसके ऊपर उन्होंने एक बहुत फैसिनेटिंग किताब भी लिखी थी। अब हम सब ये तो जानते कि भगत सिंह थे कौन और उनका क्या रोल था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, पर हम में से कुछ ही लोग होंगे जो एक्चुअली उनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। और अगर आप मेरी तरह इंडिया के हिस्टोरिकल लीडर्स जैसे भगत सिंह की आइडियोलॉजी और बिलीव्स के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक, जिसको आप सुन सकते हैं कुकू एफएम ऐप पर। ये ऑडियो बुक करीब 2 घंटे लंबी है और भगत सिंह की जिंदगी के कई डिफरेंट फेजेस के बारे में बात करती है। इस ऑडियो बुक के अलावा आपको कई और ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स मिलेंगे कुकू एफएम ऐप पर कई डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में। और कुकू एफएम ऐप हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप करने के लिए, जिससे हम कई डिफरेंट तरीके की ऑडियो बुक सुन सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। कुकू एफएम ऐप का एनुअल प्लान बस 399 रुपीज का है, जो एक बुक की कॉस्ट से भी कम है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो आपको 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं अगर आप मोहक 50 कूपन कोड यूज़ करोगे तो, और ये कूपन कोड पहले 250 लोग के लिए वैलिड है, तो इस ऐप को ज़रूर चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाद में एमएन रॉय को रिलीज़ कर दिया गया, पर आपको लगेगा कि जब एमएन रॉय को रिलीज़ कर दिया गया, वो एक नेशनल हीरो बन गए होंगे इंडिया में कई दूसरे फ्रीडम फाइटर्स की तरह, पर ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे एक मेजर कारण हो सकता है कि एमएन रॉय की 1920s के बाद खुद की आइडियोलॉजी बदलती गई। एमएन रॉय थोड़े टाइम के बाद कम्युनिज्म से एक्चुअली दूर चले गए कई कारणों की वजह से। पहला कि उनके मेंटर लेनिन की मौत हो गई, दूसरा कि एमएन रॉय जो खुद कई टाइम से कांग्रेस के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे, वो एक्चुअली ये रियलाइज करने लग गए कि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है इंडियंस के बीच। कई साल बाद उन्होंने एक ऐसे लिखा जहाँ उन्होंने 10 पॉइंट्स दिए ये बताने के लिए कि इंडिया की कम्युनिस्ट मूवमेंट मास सपोर्ट क्यों नहीं अचीव कर पाई है, इंडियंस के लिए कांग्रेस ही बेस्ट अल्टरनेटिव है।
इसी वजह से जब वो जेल के बाहर गए, उन्होंने कम्युनिस्ट मूवमेंट जिसको उन्होंने करीब 20 साल से सपोर्ट किया उसको छोड़ दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि कांग्रेस भी लोगों की इतनी मदद कर नहीं रहे, इसलिए उन्होंने एक अपनी आइडियोलॉजी स्टार्ट करी रेडिकल ह्यूमनिज्म की। इस आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में उनकी क्लास या फिर उनका नेशन चैलेंजेस क्रिएट कर रहा था तो वो अपनी क्लास के खिलाफ भी जा सकते हैं और अपने देश के खिलाफ भी। ये आइडियोलॉजी कम्युनिज्म से बहुत अलग थी क्योंकि कम्युनिज्म के हिसाब से आपकी क्लास ही आपके लिए सब कुछ है, और ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी से भी अलग थी क्योंकि कांग्रेस की आइडियोलॉजी का मानना था कि आपके लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, उन्होंने इस रेडिकल ह्यूमनिज्म के प्रिंसिपल पर फोकस किया। अब आज की तारीख में हम में से कई लोग एम एन रॉय को जानते नहीं हैं। मैं भी नहीं जानता था इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले। बंगाल में कुछ रोड्स जरूर उनके नाम पर है पर उनके बारे में ज्यादा चर्चा होती नहीं। आज बीजेपी सरकार के दौरान कई एंटी कांग्रेस लीडर्स हैं जो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, चाहे वो सावरकर हो या फिर सुभाष चंद्र बोस। पर एम एन रॉय के साथ ऐसा नहीं हो रहा, शायद इसलिए क्योंकि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से इतनी मैच नहीं करती। अब चाहे उनको याद नहीं किया जाता पर उनके आइडियाज कई बार इंडिया की हिस्ट्री में रेलेवेंट रहे हैं, स्पेशली जब देश के नाम पर लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है। ऐसे एमरजेंसी के दौरान एमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने एक संपूर्ण क्रांति मूवमेंट स्टार्ट करी थी जहाँ उनका कहना था कि लोगों की राइट्स देश के नाम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करी जानी चाहिए, जो एक्चुअली एम एन रॉय की रेडिकल ह्यूमनिज्म आइडियोलॉजी जैसी है। अब एम एन रॉय एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर जरूर थे, उनके सारे आइडियाज हमें एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, पर ये उनके साथ ही नहीं हर हिस्टोरिकल लीडर के सारे आइडियाज हमें एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, जबकि वही आइडियाज एक्सेप्ट करने चाहिए जो आज की तारीख में रेलिवेंट है। पर अगर हम उनकी ज़िंदगी से एक चीज़ सीखना चाहते हैं वो है कि शायद हमारी आइडियोलॉजी इतनी फिक्स नहीं होनी चाहिए। अपनी आइडियोलॉजी को बदलना और फ्लेक्सिबल रखना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और यही चीज़ हम सब शायद सीख सकते हैं। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट बिहाइंड दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ऑल्सो अगर आपको ऐसी रिसर्च ओरिएंटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको ज़रूर चेकआउट कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।